वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। हमारी लास्ट कॉलेज थी नरगिस, उन्होंने हमें सवाल पूछा था अपने बेटे के हवाले से, तो डॉक्टर साहब की बात कर जाओ। इनके बेटे की एजुकेशन में गैप है और आगे भी थोड़ा सा गैप ड्यू टू हिज हेल्थ ठीक है नजर आता है, और उसके लिए ये है कि बच्चे के लिए सदकात जो हैं वो देने ज़रूरी हैं ताकि ये थ्रू हो जाए। तो उसके लिए ये है कि जो हस्ब तौफीक है वो दे दें, मगर दूध अगर ये दें ना वाइट कलर का जो सदका है वो दें तो ये बेहतर है, और मंगल वाले दें अगर दें। मंगल वाले तो वाइट दूध का सदका, तो जिस तरह लिक्विड है ना इसी तरह ये लिक्विड हो जाएगा इसका, बच्चे का भी स्टैटिक पोजिशन में है तो ये अल्लाह ताला इसके अंदर रवानी पैदा कर देगा। चलें बेहतर होगा, उम्मीद है नरगिस को जवाब मिल गया होगा। अच्छा जनाब, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं डाइट के हवाले से, अच्छी मेटाबॉलिज्म के हवाले से, और जो जो जवेरिया आज हमें बता सकती हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आ चुकी हैं आज हमारे सेट पे। कैसी हैं जवेरिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह अर्मिला, हाउ यू, हाउ इज एवरीथिंग? सब कुछ ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जवेरिया, आज आप किस चीज़ों पर हमारे साथ डिस्कशन करने वाली हैं? एक तो हम बात करेंगे फूड्स फॉर द गुड मेमोरी, क्योंकि अक्सर लोग जो कि लेटर एज में जाते हैं उनको डिमेंटिया और शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ फूड्स फॉर गुड मूड और गुड मेटाबॉलिज्म, और उसके साथ कोकोनट वाटर के बेनिफिट्स बताऊंगी कि डायबिटिक पेशेंट्स। सबसे पहले तो अच्छी मेमोरी पे बात करते हैं कि अपनी याददाश्त बेहतर करने के लिए हम क्या चीजें खा सकते हैं। देखिए, हमेशा जिंक और सेलेनियम रिच फूड जो होता है, और या फिर उसके अलावा देसी और ऑर्गेनिक फूड पे आप जितना रहते हैं उतनी आपकी मेमोरी बूस्ट अप होती है। पर आप देखें, आपकी मेमोरी का ताल्लुक आपकी डिप्रेशन, एनजाइटी और उसके साथ साथ आपकी मूड स्विंग्स पर भी है कि आपकी कहीं लाइफ में, ठीक है, देर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन एंड फ्लक्चुएशन इन द लाइफ, पर हमने उसको कोऑर्डिनेट भी करना है। अगर हम गुड फूड लेते हैं तो वो काफी हद तक हमारी ना सिर्फ मेमोरी पे असरअंदाज होता है बल्कि हम लोगों को डिप्रेशन और उससे एंजाइटी में से भी, मतलब इस किस्म की प्रॉब्लम से भी निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी फूड्स जो कि जिंक रिच सोर्सेज हैं, जिसमें हमारे पास नटशेल ग्रुप आ जाता है। नटशेल ग्रुप की बात की जाए, वॉलनट, हेजलनट, हेजलनट पीनट, और उसके अलावा पीनट बटर, एलमंड बटर, दिस इज गुड। बच्चे हैं अगर 12 से लेके 20 साल तक के, तो उनको आप डिफरेंट पुडिंग्स में, डिफरेंट चीज़ों में उनकी मेमोरी को अच्छा करने के लिए, क्योंकि वो अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स आपको पता है आजकल जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वहीं पे स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर डूइंग सो मच हार्ड स्टडीज़ टू, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनका जो ब्रेन लेवल है, उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो ब्रेन डेवलपमेंट कहा जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फूड का और फूड न्यूट्रिशन हेल्थ और वेलनेस का बहुत गहरा ताल्लुक ख्याल रखा जाए। अच्छा, गुड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारी चीज़ें, अक्सर लोगों का खुराक डाइजेस्ट करने का या इम्यून सिस्टम या मेटाबॉलिज्म की बात की जाए वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बिल्कुल उसके लिए भी कुछ डाइट आप बताएंगे? बिल्कुल, हम हमेशा सीजनल जूसेस पे और सीजनल वेजिटेबल एंड फ्रूट जूसेस पे डिपेंड करते हैं, मीन टू से इधर हम इंतजार करते हैं। पर अक्सर औकात सोशियो इकोनॉमिक लेवल कुछ लोग उसका प्रॉब्लम बना लेते हैं कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और अक्सर मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि हम करें क्या, हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हर इंसान कंज्यूम कर सके। तो मैं यहाँ बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में ना सिर्फ फलों और सब्जियों में गज़ा रखी है बल्कि गज़ाइयत और लज़त भी रखी है। मैदर ऑफ इनटेक हमारा अपना काम है, हमें लेना कैसे है। जैसे आजकल हमारे पास पॉमग्रेनेट जूस है, आप देखें गाजरें आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में, बीट रूट, कैरेट, मतलब चकंदर, पालक, पुदीना, और साथ में जो मतलब गाजर का जो एक ग्लास जूस है आप आफ्टरनून में लें 12 से दोपहर 3 बजे तक, दिस इज़ वेरी गुड। आप ब्रेकफास्ट के साथ ऐड कर लें, दिस इज़ फाइन। घिया कद्दू का जो है वो जूस, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो बहुत ज़बरदस्त है। हरी सब्जियों को पका के खाने का जो स्टीम डाप करते हैं उसका भी फायदा है, पर ओवर कुक नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवर कुक करने से उसका न्यूट्रिएंट लॉस होता है। और यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ, क्योंकि हमारी हमें अपनी स्किन के लिए, हमें अपने हेल्थ के लिए, हमें अपने मेटाबॉलिज्म के लिए हमेशा फ्रेश फूड का इंतखाब करना चाहिए। जितना अर्मिला आप देखिए हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाएंगे, यानी जितना हम प्रोसेस्ड अपने आप को करेंगे, क्योंकि आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे अवर बॉडी इज सो नेचुरल, हम कुछ भी आर्टिफिशियल लेंगे, एडल्ट्रेटेड लेंगे, तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो फूड एलर्जी हो जाएगी। और आप ये देखिए जहाँ जहाँ वो मिर्च मसाले हो गए या जहाँ जहाँ ऐसा गोश्त हो गया, चीज़ें हो गई, जहाँ पे आपको डाउट्स हैं कि आपको ये मतलब इजीली कंजप्शन नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो दिस इज मतलब आप ये देखिए कि आप उस तरह से हेल्थ बेनिफिट्स नहीं ले सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। वैसे तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, कॉलो भी ले लेते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली के लिए। कायनात है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कायनात क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपनी हेल्थ के बारे में और अपने हस्बैंड के कारोबार के बारे में पूछना चाहूंगी। अच्छा कायनात, सबसे पहले तो आपके बारे में जानते हैं, आप अपनी वालदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 20 जून 1997 मेरी डेट ऑफ बर्थ, और मेरी वालदा का नाम अफशान सदीक।
ठीक हो गया। और इसी तरह आप अपने हस्बैंड का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी वालदा का नाम भी बता दें। लईक अहमद मेरे हस्बैंड का नाम है। ठीक है। 1982 उनकी डेट ऑफ बर्थ, 20 अप्रैल 1982। ठीक है। और उनकी वालदा का नाम वसूख फातिमा। वसूख फातिमा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। कायनात आपके हवाले से बताते हैं, लईक साहब के हवाले से तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, कायनात के हवाले से जानते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जनाब, मुझे भी कुछ कुछ कॉफ़ी भी वो ड्राई होती नज़र आ रही है, डॉक्टर साहब देख रहे थे उसको जब हम जब एरिया से बात कर रहे थे, तो अभी ज़रा ये ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं खुद भी जानने की कोशिश करती हूँ। इनकी हेल्थ के इशूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इशूज तो नहीं है इनको। सही सही। अगर कहा जाए कि जी कोई बहुत बड़ी बीमारी इस तरह का तो कुछ नहीं है, छोटे मोटे हेल्थ इशूज जो हैं वो आते रहते हैं, तो उसका प्रॉपर टाइम के ऊपर ट्रीटमेंट जो है वही हल है। सही सही। ठीक है ना, जरूरी तो नहीं है कि हर चीज को हम इसी एंगल से देखें कि किसी ने कुछ कर दिया है या हो गया। हाँ, जाहिर है। अपनी तरफ से भी कोशिश, तो ये है कि अपनी जो है ना सेल्फ हेल्प खुद करें, ये केयरलेस है अपने रूटीन्स में, तो उसकी वजह से इनकी जो हेल्थ में है ना अपहीवल्स हैं, उसकी उसको खुद ये ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, इस कॉफी के हवाले से भी हमें थोड़ा बताएं कुछ। जी अभी हो जाएगा या अभी टाइम मजीद लगेगा इसको? हो गया हो गया। चलिए फिर हम शुरू करते हैं, बताए ना, मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ। अच्छा अच्छा, ये कब पहले डॉक्टर साहब आप कैमरे में दिखा दें? ये ना इसके अंदर इस तरह से, ये देखे जनाब, ये कप के अंदर ये लाइंस जो ड्रॉ हुई है इसमें हमने सिंबल्स देने हैं। ये देखिए, ये जो ये चीज है, ये देखिए, ये लाइंस दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब बेसिकली आपको। ठीक है, इसके अंदर जो सिंबल्स हैं यहाँ से हमने रीडिंग ले ली है, प्लस ये जो सॉसर है, ठीक है, इसमें भी सिंबल्स मतलब उभर आए हुए हैं। ठीक है, और इनको हमने रीड करके तो फिर आपके बारे में बात करनी है। चलें कर लें, शुरू करें फिर। हाँ करें करें। अच्छा जी, नाज़रीन दिल थाम के बैठे, ये वो जो मैं थोड़ी सनसनी फैलाती हूँ। आपका जो है ना स्टार्ट ऑफ योर लाइफ, बचपन जो है वो स्ट्रिक्ट हाथों में गुजरा, ठीक है, और उससे ये हुआ है कि आपकी तबीयत के अंदर डिसिप्लिन जो है वो आया है, मगर ये है कि मूड स्विंग्स जो हैं वो बचपन से लेके अब तक चलते आ रहे हैं, और उसके अंदर एक बड़ा हाथ जो है वो आपकी ज़ाहिर है वालदा की तरबियत होती है। वालदा की तरबियत का ज़्यादा असर है, वालिद के करीब भी हैं आप, मगर ये है कि थोड़े से ज़रा सख्ती वाले हैं मामलात। अब्बा स्ट्रिक्ट है। हाँ जी। और दूसरा ये है कि आप की पढ़ाई जो है वो ठीक है, यानी पढ़ा आपने ठीक है, करियर वाइज भी ठीक है आपने, मगर आपकी पढ़ाई अभी और भी है, अभी 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 आपने और थोड़ा सा और, दिल नहीं करता मेरा पढ़ने को, मगर आपको पढ़ना पड़ेगा जी। और दूसरा ये कि करियर वाइज जो है ना, नहीं पहले आपका ना एक और मैं बात बताता हूँ, लाइफ जो है ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक अभी जहाँ पे आप हैं अनस्टेबिलिटी से गुजर के आई हैं, ठीक है, अनस्टेबिलिटी के बाद अब आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, ये स्टेबिलिटी का अरसा 5 साल है, 5 ईयर्स, उसके बाद ये नहीं कि आप अनस्टेबल हो जाएंगी, यू विल बी मोर स्टेबल बट इन अ डिफरेंट वे, मींस कि ये आपका जो है ना लाइमलाइट स्टार स्टारडम या जो भी आपका सिलसिला है ये 5 साल का है। आफ्टर दैट यू विल बिकम अ होम मेकर, आपके करियर के अंदर कोई 2 से 3 साल का गैप आएगा व्हेन यू विल स्टार्ट रेजिंग योर किड्स और जो भी है मामला, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप दोबारा से किसी तरीके से कम बैक करेंगी इसके अंदर, बट बाय दैट टाइम आपको मतलब इतनी ज्यादा वो ख्वाहिश ख्वाहिश नहीं होगी। अच्छा, आपको ये होगा ठीक है जो मिला काम कर लिया अपनी चॉइस से, ठीक है। अच्छा, आपका जो है मैरिज का जो ईयर है वो मैं कह रहा हूँ सबके सामने, ये साल है। अच्छा, 2019 जो है ना ये ईयर है, मेरे ख्याल मुबारक वसूल हुई है आपको कार में भी मुबारक वसूल की। हाँ जी, वो काफी ऊंची मुबारक है। अच्छा, आ गई आप। हाँ, तो ये चीज है। और दूसरा ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग के हवाले से मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ट्रैवलिंग के लिए बहुत लास्ट ईयर भी ट्रैवलिंग का साल था, ये साल जो है इसमें फिर ट्रैवलिंग है, शॉर्ट ट्रैवलिंग जो है, ठीक है, वो है, एंड इट वुड बी फॉर सम पर्पस, रिक्रिएशन तो साथ होगी मगर पर्पस जो है दैट इज ऑल्सो देयर।
अच्छा, फिर आप का जो मैं बोलता हूँ पढ़ाई का, पढ़ाई का आपका सिलसिला पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा, ठीक है, वो 5 साल के बाद हो सकता है। आपने थोड़ा सा टुकड़ा अभी पढ़ाई का और जोड़ना है। अच्छा। और 5 साल के बाद की जो मैं बात कर रहा हूँ वो पाकिस्तान से बाहर की है। ठीक है, 5 साल आप हैं यहाँ पे, अपना जो भी टाइम है, हाँ, आपने फिर अपना जो फैमिली है प्रॉपर जो रेज करनी है वो आप मुल्क से बाहर है। आपकी ट्रेवलिंग के जो है ना साइंस वो 7 है, यूजली 5 साइंस भी आए, 5 सिंबल्स भी आए तो ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हम यहीं पे अभी ट्रैवलिंग तक फंसे हैं, ट्रैवलिंग के बाद हम आगे जाएंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।